नमस्कार, इन खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। लोकसभा चुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं तो स्थिति लगभग लगभग साफ हो चुकी है। जो रुझान आ रहे थे वो पूरी तरीके से परिणाम में बदलते हुए दिख रहे हैं। परिणाम ये आ रहा है कि दरअसल इंडिया गठबंधन की तरफ 231-32 का ग्राफ जा रहा है सीटों का, और वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो 294-93 के ग्राफ ऊपर नीचे हो रहे हैं। वहीं 18 सीट अदर्स के बताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करें कि बिहार में 40 सीटों में से किसे कितनी सीटें जा रही हैं, तो लगभग आपको बता दें कि जो सीटें हैं वो अगर बीजेपी और जेडीयू की अगर हम बात करें तो उसमें से 14-15 सीटें जेडीयू की दिखाई दे रही हैं। वहीं 11-10-9 ऐसे कुछ सीटें अभी बीजेपी की दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि अब जो है 6-7 की सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से इस समय बिहार में और पूरे मतलब देश में जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है वो ये है। लेकिन बिहार में कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर चर्चा हो रही थी पहले से, अभी भी चर्चा हो रही है और आगे भी चर्चा होगी। क्योंकि ये सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही थी। यह हॉट सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि यहां से जो उम्मीदवार खड़े थे, जो प्रत्याशी खड़े थे, एनडीए के हो या इंडिया गठबंधन के हो, उनके पति दरअसल बाहुबली में माने जाते थे, बाहुबली में उनकी गिनती होती थी। तो हम शुरुआत करते हैं कि वो 3-4 जो बाहुबली थी, उनकी जो पत्नी है चुनावी मैदान में, वो कौन कौन थी और कहां की वो सीटें थी। तो पहले हम शुरू करते हैं दरअसल सिवान से, क्योंकि सिवान से मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनावी मैदान में थी। चुनावी मैदान में वो इंडिपेंडेंट थी और उनको लेकर के काफी चर्चा हो रही थी, उनको लेकर के काफी जो सुर्खियां बनी थी कि वो इस बार चुनावी निर्दलीय जो है वो मैदान में है। उसके बाद से काफी वो हाईलाइटेड हुई थी कि आखिर उनके सीट पर क्या हाल होगा, उनका क्या होगा। तो आपको बता दें कि अभी जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वहां से, आपको बता दें कि इस सिवान सीट से विजय लक्ष्मी देवी जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से थी चुनावी मैदान में। विजय लक्ष्मी देवी वो इस समय 1,40,969 वोट मिल चुका है उनको, और लगभग वो हिना साहब जो है वो सेकंड पोजीशन पर बरकरार हैं। वो 1,16,357 वोट हिना साहब को अब तक मिल चुका है, लगभग इनसे 24,612 वोट वो पीछे हैं विजय लक्ष्मी से। वहीं यहां पर हम बात करें जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार थे वो थे अवध बिहारी चौधरी, उनको अब तक 74,008 वोट कुल मिल चुके हैं। तो ये तीन जो यहाँ सिवान के सीट पर कैंडिडेट थे वो ये हैं, विजय लक्ष्मी देवी, हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी इंडिया गठबंधन की तरफ से, विजय लक्ष्मी एनडीए गठबंधन की तरफ से, और हिना साहब इंडिपेंडेंट। लेकिन हिना साहब इस वक्त सेकंड पोजीशन पर चल रही हैं। बाहुबली थे, बाहुबली माने जाते थे मरहूम साहबुद्दीन और उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। वहीं अगर हम दूसरे सीट की बात करें जो हॉट सीट थी और वो काफी चर्चे में थी, जो बाहुबली है उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, वो है शिवहर सीट। शिवहर दरअसल मैं आपको बता दें कि यहां से जो एनडीए गठबंधन की तरफ से थी वो थी चुनावी मैदान में लवली आनंद। लवली आनंद बाहुबली नेता माने जाने वाले आनंद मोहन की पत्नी है, वो सांसद भी रह चुकी हैं, तो इस बार वो चुनावी मैदान में थी। इन पर भी काफी नजरें थी, इनके सीट का क्या हाल है ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम बता दें आपको कि इनके खिलाफ जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से रितु जायसवाल थी। रितु जायसवाल एक चर्चित चेहरा रही है अराजक की, जो पंचायत से निकल करके आज संसदीय चुनाव लड़ रही है, और वो पहले मुखिया बनती हैं, फिर विधायक बनती हैं और अब एमपी का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं हम बात करें तो ये दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला था। इन दोनों के बीच जनता दल यू की तरफ से लवली आनंद थी, क्योंकि ये कोटे जनता दल यू के कोटे में गया था ये सीट जो एनडीए गठबंधन में था, तो वहीं ये इंडिया गठबंधन में आरजेडी के कोटे में गया था। अब आपको बताते हैं कि लवली आनंद को अब तक 3,44,431 वोट कुल मिल चुके हैं। रितु जायसवाल की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि 3,15,823 वोट कुल मिल चुके हैं, और ये 28,000 के लगभग वोट से पीछे हैं। किससे? लवली आनंद से। टक्कर मुकाबले का देखा जा रहा था, जब मैं भी बिहार घूम रहा था उसमें भी कहा जा रहा था कि टक्कर यहां जबरदस्त होने वाली है, और ये टक्कर लगभग 28,000 वोटों का है। और अब देखना होगा कि अब जो आगे राउंड का गिनती होता है उसमें कौन बाजी मारता है। और यहां पर हालांकि एक और उम्मीदवार थे अखिलेश्वर श्रीवास्तव जो योगी थे, हालांकि ये इंडिपेंडेंट थे, इनको भी लगभग मिलाजुला के 18,000 अब तक वोट मिल चुके हैं। एक और सीट की चर्चा हो रही थी, एक और सीट है वो बिहार का मुंगेर। मुंगेर में दरअसल आपको हम बता दें कि मुंगेर चर्चित सीट रही है। यहां पर ललन सिंह जो जेडीयू के नेता हैं वो चुनावी मैदान में थे, और इनके खिलाफ जो है वो थी कुमारी अनीता। अनीता कुमारी अशोक महतो की पत्नी है, जो जेल में रहते हैं, बाहुबली माने जाते हैं। उसके बाद वो बाहर आते हैं जेल से,
शादी करते हैं, उसके बाद अपने वाइफ को वो चुनावी मैदान में उतारते हैं। उनके खिलाफ ललन सिंह थे, ललन सिंह जेडीयू की तरफ से थे, ये जेडीयू के खाते में यहाँ की सीट गई थी, और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में मतलब इंडिया गठबंधन में ये राष्ट्रीय जनता दल के खाते में सीट गई थी, और कुमारी अनिता यहाँ से चुनावी मैदान में थी। तो ललन सिंह को लगभग अब तक 3,25,716 वोट मिल चुके हैं, तो वहीं कुमारी अनीता की बात करें तो 2,78,531 वोट कुल मिले हैं अब तक, यानी कि ललन सिंह कुल मिलाकर के 47,185 वोट से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त अब आप देख रहे होंगे, अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, अपने मोबाइल फोन पर भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। और बिहार की हमने आपको बात बताई कि बाहुबली के वो पत्नियां जो इस समय चुनावी मैदान में है और उनके क्या हाल है, क्या स्थिति है इस वक्त, कौन आगे चल रहा है, कौन बाजी मार सकता है, किसको कितने वोट मिले हैं, ये साफ तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा अब तक का जो पुष्टि करते हुए इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े बता रहे हैं इस वक्त वो हमने आपको बताया है। आपकी इस पर क्या राय है, इस सीटों पर कौन बाजी मारने वाला है और किसकी शिकस्त होने वाली है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।